अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ग्रैंड एंड ब्रैंड न्यू वीडियो। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। बाबर आजम टीम की क्यादत करेंगे। इस स्क्वाड में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जैसे कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और साइम अयूब। और हैरत की बात तो ये है कि आज़म खान को भी पिक किया गया है। तो पाकिस्तान के स्क्वाड की बात की जाए तो बाबर आजम कैप्टन, अबरार अहमद, आज़म खान, फ़खर जमान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, ये मुल्तान की तरफ से खेलते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इस बार भी। और मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, और मोहम्मद आमिर, जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 4 साल के बाद वापसी हुई है। और इरफान नियाजी, जो कि कराची किंग्स के में खेलते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी इस सीज़न में। और नसीम शाह, जो कि इंजर्ड थे, अब उनका कमबैक हुआ है पाकिस्तान टीम में। साइम अयूब, वो पहले भी हिस्सा थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और शादाब खान, ये पहले वाइस कैप्टन थे, पर अब उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया है। हैरत की बात है, वो कैप्टनसी उनको मिलनी चाहिए थी, पर उनको वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया है। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पहले कैप्टन थे, पर अब वो उनसे कैप्टनसी छीन चुकी है। और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और बात की जाए तो उस्मान खान, वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। वो उनको यूएई ने बैन कर दिया है, और वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के ये खेलेंगे। जमान खान और उसामा मीर, ये था पाकिस्तान का स्क्वाड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये